राजेंद्र सिंह। राजेंद्र जी बताएंगे कि ग्वार जो है वो गंगानगर हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा होता है, राजस्थान में भी इस फसल का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है, बावजूद इसके किसान को भाव नहीं मिल पाते हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे सरकार की कोई पॉलिसी नहीं है, यही एक बड़ा कारण है। बात करें ग्वार में सट्टा बाजार की, तो सट्टा बाजार ग्वार में भाव में ऊपर नीचे करके मुनाफा वो कमा रहे हैं, जमीनी स्तर का जो किसान है जो उत्पादन करता है उसको ग्वार के भाव नहीं मिलते हैं, इसका क्या कारण है वो हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ किसान की क्या पीड़ा है ग्वार को लेकर वो राजेंद्र जी जो है किसान है ये लगातार ग्वार उत्पादन करते हैं। जी राजेंद्र जी, ग्वार का आपको भाव नहीं मिल रहा है, क्या मानोगे आप कितना प्रोडक्शन होता होगा आपके लिए? 3-3.5 क्विंटल रुपये का हो जाता है, अच्छा बीज नहीं मिलता, अच्छा भाव भी नहीं मिलता है, मार्केटिंग की व्यवस्था सही नहीं है, और यूनिवर्सिटी से बात करने पर हुआ क्या हमारा फंड भी बंद कर दिया रिसर्च करने के लिए, इस कारण नया बीज नहीं मुश्किल से। गंगानगर में कितना क्रॉप होता होगा? गंगानगर की कॉटन की क्रॉप तो खत्म हो गई है, 2 साल से पिट रही है, हानिकारक हो रही है, ना हो रही है, इसकी एवज में ग्वार एक ही रहा है, उसका मार्केट अगर सही करे सरकार भी कुछ करे उसमें तो सुधार हो सकता है। एरिया का कितने क्षेत्रफल में ग्वार होता है गंगानगर हनुमानगढ़ के लिए? ग्वार का क्षेत्रफल 2 साल से बढ़ रहा है, नरमे की क्रॉप मेन थी वो खराब होने की वजह से लोगों का रुझान बढ़ा है, इसके अंदर सही मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है, कहीं ना कहीं कम पानी की फसल भी है, कम पानी की फसल है, जमीन को सुधार करती है, जमीन के खाद की मात्रा कम पड़ती है, सारा सुधार होता है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ग्वार की वैल्यू ज्यादा है लेकिन किसान को भाव नहीं मिलता, यहाँ कुछ तो फर्जी आंकड़े बना के उसको उत्पादन ज्यादा दिखा है, उसका भाव गिरा दिया जाता है, ऐसा खेल बड़े आंकड़े गलत देके किसान को कितना लाभ है ग्वार से? ग्वार से अगर सही भाव मिले अच्छा मिले तो सब लाभ है कि जमीन में सुधार होगा, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, किसान क्वालिटी अच्छी ली होगी, भाव सही मिले तो क्या किसान इसको ज्यादा उत्पादन करेगा? अभी जो भाव मिल रहे हैं वो किसान को जो लागत है उसके मुकाबले कितने भाव? अब लागत के मुकाबले कुछ ठीक है, दूसरी फसलों की वजह से कॉटन की वजह से, कॉटन में तो जीरो ही हो गया, हुआ ही नहीं कुछ, किसी के 25 किलो है किसी के 50 किलो है, जीरो ही हो गया, नेगेटिव हो गया उसका, ये नेगेटिव नहीं है कुछ ठीक है, इससे अगली फसल में कुछ फसल जमीन का भी सुधार हो जाता है, कम समय की फसल है कुछ जमीन का सुधार हो जाता है, अगली फसल में भी सुधार हो जाता है, उत्पादन बढ़ जाता है, जैसे गेहूँ का उत्पादन बढ़ जाता है, रुझान अगर प्रोत्साहन मिले सरकार द्वारा, अच्छा बीज मिले, अच्छी फसल मिले तो उत्पादन और ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी वर्तमान में जो भाव मिल रहे हैं किसान उससे संतुष्ट है? क्या आपके आंकड़े के हिसाब से स्पॉट प्राइस होना चाहिए? स्पॉट प्राइस होना चाहिए जिससे कि मिनिमम स्पॉट प्राइस होनी चाहिए, इससे ज़्यादा उत्पादन होगा, आगे सुधार भी होगा, जमीनों का भी सुधार होगा जो खराब हो गई है, जो सरकार कहती है जमीन को सुधार करने में उसमें नेचुरली सुधार लगता है। अभी जो भाव मिल रहा है उससे क्या माना जाए कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए? विदेशी मुद्रा भी आती है, जैसे कोई सरकारी इंडस्ट्रीज यहाँ लगाए या कोऑपरेटिव में लगाए सट्टा बाजार का क्या रोल है भाव के पीछे? सट्टा बाजार से किसान को कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो बड़े लोग मोनोपोली करते हैं उसमें, ना तो फिजिकल है वो, काल्पनिक है, काल्पनिक में उसमें मिलने वाला है। तो ये थे हमारे साथ किसान राजेंद्र जी, जो लगातार बता रहे थे कि ग्वार को अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे भाव को लेकर, प्रोडक्शन को लेकर, तो निश्चित तौर पे उत्पादन बढ़ेगा, किसान को इससे आमदनी अच्छी होगी और सरकार को रेवेन्यू सबसे ज्यादा मिलेगा, क्योंकि अभी का जो ट्रेड चल रहा है वो सबसे ज्यादा ये सामने आ रहा है कि व्यापारी है वो एनसीडेक्स में इसको लेकर लगातार जो सट्टा बाजार है ग्वार में वो अपना बेनिफिट कमा रहा है, जिससे सरकार को कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। ऐसे में अगर सरकार स्पॉट प्राइस
इसका तय करके और सरकार इस पे कोई पॉलिसी बनाए तो निश्चित तौर पे ग्वार से और ज्यादा सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और किसान भी मालामाल होंगे। मार्केट्स टाइम टीवी के लिए सतवीर सिंह, श्रीगंगानगर।